हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन दे रखा हुआ है, ठीक है। स्टेट द फॉलोइंग 1 to 6 इक्वेशंस बाय यूजिंग फार्मूला, यानी कि आपको जो ये इक्वेशंस दे रखा है इसको आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है 2x² माइनस का 7x प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे, यूज द क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूज द क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने लिख लिया। तो जो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो क्या होता है, होता है आपका माइनस का बी, मैंने क्या बोला, माइनस का बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, अपॉन में क्या होता है 2a, ठीक। अगर मैं बात करूँ जो माइनस बी है और ये बी स्क्वायर है ये, ठीक, माइनस का 4ac, ठीक। तो सबसे पहले अगर a कहूँ तो जो इक्वेशन आपने लिखा हुआ 2x² में ये क्या है, ये आपका a है, तो a की वैल्यू तो 2 गिवन है। अगर मैं ये बात करूँ माइनस का 7x, तो जो b की वैल्यू आपको गिवन है माइनस का 7 गिवन है। वहीं मैं अगर c की बात करूँ तो c की वैल्यू क्या है आपके पास में, 6 a गिवन है। ये a है, ये b है और ये आपका c है। आपको याद रखना है कि साइन के साथ में लिखना है, ठीक है। प्लस में था तो प्लस में लिखा, माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे, प्लस में 6 था तो प्लस में 6 लिया, ठीक है। अब जो हमारे पास ये वैल्यूज हो गई, ये सबको हम इसके अंदर क्वाड्रेटिक जो फार्मूला इसके अंदर पुट कर लेंगे। तो x इक्वल टू माइनस का b, माइनस का b कहने का मतलब b की वैल्यू कितनी है, माइनस 7, तो माइनस का 7 लिख लेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, रूट लगाएंगे, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 7, तो यानी कि माइनस का 7 का स्क्वायर लगाएंगे, माइनस लिखेंगे 4, ए की वैल्यू कितनी है 2 है तो 2 लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या है, सी है तो सी की वैल्यू कितनी है, 6 है तो 6 यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अपॉन लिख लेंगे, अपॉन में कितना है 2a, तो 2a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं क्या करता हूँ, इसे सॉल्व करता हूँ। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस, तो प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस करिए, रूट के अंदर क्या होगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 7, तो ये तो मतलब हट या रिमूव हो जाएगा माइनस, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, माइनस का कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 सी जा कितना होता है 48 हो जाएगा। अपॉन कर लीजिए 2 2 जा 4, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 7 प्लस माइनस 49 में से 48 को माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बचेगा, अपॉन में 4 कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट इधर कर लेंगे तो प्लस का 7, अब देखिए जब कभी भी अगर रूट के अंदर 1 लिखा है तो इसका रूट का 1 इसका 1 ही होगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर इसका 1 ही होगा। तो 7 तो प्लस माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 4, ठीक। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 7 प्लस माइनस 1 अपॉन 4। अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो आपके पास ये प्लस माइनस लिखा हुआ है इसका मतलब है कि एक बार आपको प्लस लेके सॉल्व करना है, एक बार आपको माइनस लेके सॉल्व करना है। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 7 प्लस 1, एक बार 7 प्लस 1 करेंगे अपॉन 4 कर लेंगे, ठीक है। तो 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8 अपॉन 4, और 4 बन जाएगा 4, 4 2 जा 8 तो हो जाएगा 2, एक तो आंसर हो जाएगा x की वैल्यू, ठीक। वही एक बार हम क्या करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस था ना, तो 7 में से 1 को घटा देंगे एक बार में, तो 7 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 4, यानी कि 6 अपॉन कितना हो जाएगा 4, तो 2 से काट देंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 3 अपॉन 2, ठीक है। तो यानी कि मैंने क्या किया है, लास्ट में एक बार प्लस कर दिया है और एक बार इसे ही माइनस कर दिया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना, जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमने इसे सॉल्व किया है।